हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत करती हूँ। आज हम पिज्जा बनाएंगे। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज्जा बेस बनाएंगे। इसके लिए एक बाउल में 2 कप मैदा, 1/2 कप दही, 1/4 स्वादानुसार नमक, 1/4 चम्मच सोडा, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 बड़ा चम्मच चीनी और 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, इसे सिर्फ दही के साथ ही मिलाएंगे। जब ये दही के साथ अच्छे से मिल जाएगा तब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिला लेंगे। ये अच्छे से मिल चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। हम इसका बहुत ही सॉफ्ट डो बनाएंगे। देखिए कितना सॉफ्ट डो बन चुका है। अब इसे ढक देंगे और 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम पिज्जा सॉस बनाएंगे। इसके लिए कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 10 से 12 लहसुन की कलियां डालेंगे। एक कटा हुआ प्याज डालेंगे और हल्का फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 5 टमाटर, हमने टमाटर को इस तरीके से बीच में से काट लिया है। आधा बड़ा चम्मच नमक, हमने नमक इसलिए डाला है जिससे टमाटर आसानी से पक जाए। 2 टमाटर को पलट देंगे। अब इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए पकने देंगे। मिनट हो चुकी है। टमाटर भी पक चुके हैं। अब हम टमाटर को हल्का मैश करके इसके सारे छिलके निकाल लेंगे। टमाटर के सारे छिलके निकल चुके हैं। अब हम सभी को अच्छे से मैश कर लेंगे। टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसमें 1/2 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स,
आधा बड़ा चम्मच ओरिगैनो, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर काफी अच्छा आता है। और एक बड़ा चम्मच चीनी डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें दो बड़े चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे। सारी चीजें डालने के बाद इसे 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। ये उबल चुका है और कलर भी आ गया है। अब गैस बंद कर देंगे, इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और फिर इसे पीस लेंगे। पिज्जा सॉस बन गई है, देखिए एकदम माथे जैसी ही बनी है। आप इसे फ्रिज में 1 महीने से ज्यादा तक स्टोर कर सकते हैं। डो को भी करीब 1 घंटा हो गया है। अब डो को देख लेते हैं। देखिए 1 घंटा रखने के बाद ये कितना फूल गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। अब इसे एक बार गूंथ लेंगे। अब इसे बेल लेंगे। इसके लिए थोड़े से मैदे को फैला लेंगे। देखिए हमें इसे इतना ही सॉफ्ट बनाना है। अगर डो हाथ पर चिपके तो आप थोड़ा सा मैदा हाथ पर ले सकते हैं और फिर से गूंथ सकते हैं। अब इसे बेल लेंगे, थोड़ा सा मैदा फैला लेंगे। अगर बेलते टाइम ये चिपकता है तो आप थोड़ा सा मैदा डालकर फिर बेल सकते हैं। इसे बेलते टाइम ये छोटा होता जाता है, इसलिए हम इसे अच्छे से बेलेंगे। हम इसे सिर्फ बीच में ही बेलेंगे और फिर हाथों से साइड से पतला कर लेंगे। अब एक पैन लेंगे और एल्यूमिनियम फॉइल को पैन के अंदर उसी शेप में सेट कर देंगे। अभी हम गैस ऑफ ही रखेंगे। अब हम फॉइल को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब पिज्जा बेस को पैन पर रख देंगे। पैन में रखने के बाद ये थोड़ा छोटा हो गया है, इसलिए हम इसे थोड़ा हाथों से प्रेस कर लेंगे। अब पिज्जा बेस पर पिज्जा सॉस लगाएंगे।
अब हम फोक से इसमें होल कर देंगे। आप चाहे तो पिज्जा सॉस लगाने से पहले भी होल कर सकते हैं। अब हम चीज लेंगे। हमने यहाँ मोजरेला चीज लिया है। अगर आपके पास मोजरेला चीज ना हो तो आप प्रोसेस चीज का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे ग्रेट कर लेंगे। ये ग्रेट हो चुकी है। अब इसे हम पिज्जा पर डाल देंगे। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ही डालेंगे। अब इसमें एक कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे। हमने शिमला मिर्च को क्यूब्स में काट लिया है। एक कटा हुआ प्याज, इसे भी क्यूब्स में ही काटा है। थोड़े से स्वीट कॉर्न, दोबारा से चीज डालेंगे। हमने यहाँ पर हरी शिमला मिर्च यूज की है। आप चाहे तो इसमें लाल या पीली शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। आप इसमें बेबी कॉर्न या मशरूम से भी टॉपिंग कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज की टॉपिंग कर सकते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसे ढक देंगे। और धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने देंगे। पंद्रह मिनट हो चुकी हैं, अब इसे खोल लेंगे। ये काफी सुंदर लग रहा है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे पैन से उतार लेंगे। ध्यान रहे, हम एल्युमिनियम फॉइल को इस तरीके से लगाएंगे कि शाइनी पार्ट ऊपर रहे और हल्का डल पार्ट नीचे रहे। बेक करने पर चीज मेल्ट होता है, इसलिए ये एल्युमिनियम फॉइल से चिपक जाता है, इसलिए इसे निकालते टाइम थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इसे चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो से गार्निश कर लेंगे। अब इसे काट लेंगे। देखिए कितना चीज़ी बना है। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा। पिज्जा बनकर तैयार है। आप इसे अपनी फैमिली में जरूर ट्राई कीजिएगा। सब खुश हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।